is 1.1 और क्वेश्चन नंबर है 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी वैल्यू. ठीक है, हमें जी फंक्शन गिवन है, सही है, उसके हमें डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है. सही है, तो डोमेन और रेंज का जिक्र हमने किया था इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में. तो इन फंक्शंस की हम डोमेन कैलकुलेट करते हैं. तो जो गिवन फंक्शन है वो है फर्स्ट पार्ट उसका है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5. जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5. अब इसमें इसकी डोमेन क्या बनती है, मतलब कि हम कौन कौन सी इसमें वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हमें देखना है. देखें कोई ऐसी वैल्यू एक्स की है जिस पर ये फंक्शन या इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए. कोई ऐसी वैल्यू आपको नज़र आ रही है, अगर वन पुट करते हैं फिर भी जो है वो कोई ना कोई रियल वैल्यू बनती है. ठीक है, नेगेटिव बने या पॉजिटिव बने या ज़ीरो बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सिर्फ इन्फिनिटी नहीं बननी चाहिए. ठीक है, तो कोई भी ऐसी इनपुट नहीं है रियल नंबर्स में कि हम वो पुट करें तो ये अनडिफाइंड हो जाए फंक्शन. तो इसकी फिर डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, सब रियल नंबर्स हम एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसकी डोमेन लिख देते हैं. डोमेन इज, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स. अच्छा, इसी तरह से अब हम इस फंक्शन की रेंज भी देख लेते हैं. ठीक है, रेंज क्या बनती है, मतलब कि इसमें हम इनपुट करेंगे ये सारे रियल नंबर्स, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही होती हैं. ठीक है, सारे रियल नंबर्स ही हम पुट करेंगे तो फिर हमारे पास रियल नंबर ही आएंगे. ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही कि जो अनडिफाइंड हो, तो हम या कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो स्किप हो रही है. ठीक है, तो इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर्स बनती है, ऑल रियल नंबर्स. इस तरह इसके पार्ट टू में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट टू में, पार्ट टू का फंक्शन जो हमें गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4. सही है, ये फंक्शन हमें गिवन है. अब इसकी हम देखते हैं कि डोमेन क्या बनती है, मतलब कि हम कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं इसकी वो पुट कर सकते हैं, तो और कौन सी नहीं पुट कर सकते. देखें, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई टर्म नेगेटिव आ जाए, ठीक है, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर टोटल जो है नेगेटिव वैल्यू बन जाए, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है. ठीक है, वो रियल नंबर नहीं होता, तो इमेजिनरी नंबर भी नहीं बनना चाहिए. तो किस वैल्यूज़ पे एक्स की किस वैल्यूज़ पे ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बनती है वो हम चेक कर लेते हैं. फिर उसको हम अपनी डोमेन में से, मतलब बाकी रियल नंबर में से उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, निकाल देंगे, तो बाकी जो रियल नंबर्स हमारे पास बचेंगे वो इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी. तो पहले इसको देखते हैं कि ये किस किन किन फंक्शंस पे जो है ये नेगेटिव बनता है टोटल. तो नेगेटिव किस पे बनेगा, कि ये 4 से लेस हो जाए एक्स स्क्वायर की वैल्यू. ठीक है, 4 से लेस कब होगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक तो 0 पे हो जाएगी. ठीक है, 0-4 वो नेगेटिव बन जाएगा, -4 बन जाएगा. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 जो कि इमेजिनरी नंबर बन जाएगा. सही है, एक 0 पे, एक 1 अगर पुट करें तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1-4 इज -3 हो जाएगा. ठीक है, तो 1 पे भी तो नेगेटिव देता है वैल्यू. उसके अलावा 2 पे अगर चेक करें, 2 का स्क्वायर इज 4, 4-4 इज 0. ठीक है, स्क्वायर 0 आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव नहीं आ रहा, तो 2 पे या 2 से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सेप्टेबल हैं. चलिए, उस पर नेगेटिव नहीं बनता. और 0 से नीचे देखते हैं, -1 पे क्या होता है, -1 का स्क्वायर इज 1. ठीक है, तो 1-4 इज -3, तो नेगेटिव वैल्यू बनती है. ठीक है, तो ये -1 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है. और साथ में -2 पे अगर देखें, -2 का स्क्वायर इज 4, 4-4 इज 0. ठीक है, तो 0 का स्क्वायर, तो मतलब के वो इमेजिनरी नंबर नहीं बनता -2 पे. तो ये तीन जो वैल्यूज़ हैं, ऐसी वैल्यूज़ हैं एक्स की
जो पुट करने से हमारे पास जो है फंक्शन इमेजिनरी बन जाता है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर हमें नहीं चाहिए, तो हम बाकी रियल नंबर्स में से इनको निकाल देते हैं, तो हमारे पास वो डोमेन बन जाएगी। मतलब कि इन तीनों के अलावा हम बाकी रियल नंबर्स एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज थ्री नंबर्स, ठीक है। अगर इसको सेट में लिखना है तो वो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, और फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और उसका यूनियन, सही है। तो इसमें से वो ये वैल्यूज़ निकल चुकी है -101, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक आएगी वैल्यूज़, ठीक है, और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगी वैल्यूज़ रियल नंबर्स की। तो वो वैल्यूज़ एज ए डोमेन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस फंक्शन की डोमेन बन गई, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। तो मतलब कि अब मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट लगाई, ये स्क्वेयर ब्रैकेट लगाई, इसका क्या मतलब है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो वैल्यू शामिल नहीं है, ठीक है। मतलब कि माइनस इन्फिनिटी जो है उसके लिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाई, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी हमारी डोमेन में शामिल नहीं है, ठीक है। और ये स्क्वेयर ब्रैकेट मैंने किससे लगाई, स्क्वेयर ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये -2 हमारी डोमेन में शामिल है, ठीक है। इसको एक्सक्लूड नहीं करना, ये हमारी डोमेन में शामिल है, क्योंकि हमने तो इसको निकालना था, ठीक है, -2 के बाद की वैल्यू इसको, सही। तो अब इसका यूनियन हमने ले लिया किसके साथ, 2 से इंक्रीमेंट तक। इस तरह हमारे डोमेन में 2 भी शामिल है, ठीक है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो ये डोमेन बन गई, और इसकी रेंज क्या बनेगी। रेंज इसकी देखें, अब हम इनपुट करते हैं जब इसमें वैल्यूज़, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़, ये मैंने जो डोमेन लिखी, ये डोमेन जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, वो उसकी रेंज बन जाती है। अब वो चेक कर लें कि कौन कौन सी वैल्यूज़ उसकी बनती हैं, तो वो उसकी रेंज बन जाएगी। तो इसकी रेंज होती है, देखें, अब सारी वैल्यूज़ इसमें से आ सकती हैं, ठीक है, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, ठीक है, 0 भी आता है, सब कुछ आता है। तो हम कह देते हैं इसकी ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स इसकी रेंज बनेगी। और साथ में इस क्वेश्चन में कहा भी गया है कि इसको स्केच भी करना है फंक्शन को, ठीक है। तो पहले फंक्शन को हम स्केच करते हैं। स्केच कैसे करते हैं, पहले फंक्शन लिखेंगे, टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या गिवन है हमें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5, सही। ये हमें फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन को हमें स्केच करना है। तो ये स्केच हम कैसे करेंगे, देखें, हम इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। जब एक्स 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 × 0 - 5 इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो जब 0 एक्स की वैल्यू है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, -5। तो इसका पेयर बन जाता है 0 - 5। और इसी तरह से अब बाकी वैल्यूज भी पुट करके देखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, जब हमारे पास 1 होगा तो हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 × 1 - 5 इज इक्वल टू 2 - 5 इज -3, सही है। तो पेयर जो बनता है वो है, एक्स की वैल्यू 1 है और फंक्शन की वैल्यू -3 है। और इस तरह से अब -1 भी पुट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू -1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2 × -1 - 5 इज इक्वल टू -2 - 5 इज -7, ठीक है। तो पेयर जो हमारे पास बनता है -1, -7, -1, -7, ये पेयर बन गया। इसी तरह से बाकी एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या बनेगी, 2 × 2 - 5 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो पेयर बनता है 2, -1, और एक्स इज इक्वल टू -2 पे क्या पेयर बनता है, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 × -2 - 5 इज इक्वल टू -9, ठीक है। तो पेयर बन गया -2,
-9 और भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं, ठीक है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के, लेकिन अभी हम ये इतने पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, इनको ड्रॉ कर लेते हैं एक किसी भी एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो इस ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0, -5, ठीक है, 0, -5 कहाँ पर आएगा? एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -5, तो -5 नेगेटिव साइड पे डाउनवर्ड 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये पॉइंट बनता है 0, -5, ठीक है, 0, -5। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। बाकी पॉइंट है 1, -3, 1, -3 कहाँ पर आता है? 1 x का और -3 y का, ठीक है, 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा, एक 1, -3। इसी तरह से थर्ड पॉइंट जो था वो है -1, -7, -1, -7 इस -1 ये है, ठीक है, एक्स का और वाई का नेगेटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बनता है -1, -7, -1, -7। और इसी तरह से फोर्थ पॉइंट जो है 2, -1, 2, -1 कहाँ पर बनता है? 2, 2 एक्स एक्सिस पे और 2, -1, -1 यहाँ पर बनता है, ये बन गया 2, -1। और लास्ट पॉइंट जो हमने फिफ्थ पॉइंट है -2, -9, -2, -2, -9, -9 यहाँ पर फिर क्या आएगा, ठीक है, इस तरह से -2, -9। अब इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है, जी ऑफ एक्स का। तो इस तरह से ये ज्वाइन कर देंगे सारे पॉइंट्स को, ठीक है, तो आगे भी एक्सटेंड हो रहा है ये। ये एक लाइन की इक्वेशन थी, ठीक है, तो ये हमने उसको स्केच कर दिया। इसी तरह से बाकी पार्ट्स को भी इस तरह से आप स्केच करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 करते हैं, ठीक है, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। पार्ट 7 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x+2 डिवाइडेड बाय x+1, ठीक है। तो ये है पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें हमने फाइंड करनी है इसकी डोमेन भी और रेंज भी, ठीक है। तो डोमेन इसकी क्या बनती है? डोमेन देखें, अब ये फंक्शन हमारे पास है, इसमें किस वैल्यू पे, एक्स की किस वैल्यू पे ये अनडिफाइंड होता है, उसको उस वैल्यू को हम बाकी रियल नंबर में से निकाल देंगे तो हमारे पास इसकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू बनती है, ठीक है। तो देखें, अनडिफाइंड ये कहाँ पर होता है? अगर डिनोमिनेटर जहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर जहाँ पर 0 हो जाए तो वो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कहाँ पर 0 हो रहा है? अगर एक्स इक्वल टू -1 आ जाए तो यहाँ पर हम पुट करें -1, +1, ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है, तो फिर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कि बाकी ये नंबर्स हम इनपुट कर सकते हैं इस फंक्शन में, सिर्फ -1 इनपुट नहीं कर सकते। तो हमारी डोमेन क्या बन जाएगी? डोमेन बनेगी ऑल रियल नंबर्स माइनस, सिर्फ एक एलिमेंट इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, -1, बाकी हम इसमें इनपुट कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज है वो बाकी सब रियल नंबर्स पुट करने से हमारे पास बाकी रियल नंबर्स ही आ रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑल रियल नंबर्स बन जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। और इसको भी इस तरह से स्केच कर लेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू साथ साथ पुट करते जाएंगे और फंक्शन की वैल्यूज निकालते जाएंगे, फिर एक्स वाई प्लेन में ग्राफ में आप प्लॉट कर सकते हैं उसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इफ़ एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3, हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है,
फंक्शन की वैल्यू एट टू इनपुट वो है माइनस थ्री, और एफ ऑफ माइनस वन भी गिवन है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एट माइनस वन इनपुट इज़ ज़ीरो, और साथ में हमें फंक्शन भी गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें गिवन है और साथ में इसकी दो वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, आउटपुट्स गिवन है एट इनपुट टू एंड एट इनपुट माइनस वन। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, सही है। तो एफ ऑफ टू इज़ माइनस थ्री, हम ये फाइंड कर लेते हैं पहले, इसमें एफ ऑफ टू पुट करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ टू आ जाएगा, ठीक है, टू का क्यूब माइनस ए इंटू टू का स्क्वेयर प्लस बी इंटू टू प्लस वन, सही है। तो ये एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू जिस तरह से हमने गिवन है हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ टू वो माइनस थ्री है, उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, बाकी हम ये सॉल्व करते हैं। टू का क्यूब इज़ एट माइनस टू का स्क्वेयर इज़ फोर ए, ये बन जाएगा प्लस टू बी प्लस वन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस थ्री माइनस एट, ठीक है, एट यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये वन भी लेफ्ट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये बाकी जो बचा माइनस फोर ए प्लस टू बी, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस थ्री माइनस एट इज़ माइनस इलेवन एंड माइनस वन इज़ माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस फोर ए प्लस टू बी। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। अब हम जो हमें दूसरी वैल्यू गिवन है एफ ऑफ माइनस वन पे, ठीक है, तो इस फंक्शन में हम एफ ऑफ माइनस वन देखते हैं किसके इक्वल आता है, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू फंक्शन हमें गिवन है उसमें हम इनपुट करते हैं माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन का क्यूब माइनस ए इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू हमें पहले से गिवन है जो कि ज़ीरो है, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब इज़ माइनस वन और माइनस इंटू माइनस वन का स्क्वायर इज़ वन, ये बन जाएगा ए, ठीक है, और ये माइनस बी बन जाएगा प्लस वन। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा प्लस वन और माइनस वन कैंसिल, ठीक है, तो ये बन गया ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम कह सकते हैं माइनस वन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें तो वो हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को हमें सॉल्व करना है और हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करते हैं, ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर टू को फोर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, फोर से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बन जाएगा फोर ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, सही है। इसको इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे देते हैं। अब देखें इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री, एडिंग वन एंड थ्री। अच्छा, वन इक्वेशन वन क्या है, माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस फोर ए, माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर ए प्लस टू बी, और सेकेंड जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन फोर ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो ये बन जाएगा माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा सिक्स बी। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई। अब हम किसी भी इक्वेशन में वन टू या थ्री में पुट करके बी की वैल्यू फाइंड कर लेते ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू में बी की वैल्यू, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन
putting b is equal to minus 2 in equation 2. इक्वेशन टू है ए प्लस बी बी की जगह आ जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन टू थी, इसमें हमने बी की वैल्यू पुट की, यहाँ से ए इज इक्वल टू टू आ जाएगा। तो यही दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है एक स्टोन। द हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 स्क्वेयर। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वेयर। ये हमें हाइट का फंक्शन गिवन है और इसमें एक्स जो है वो सेकेंड्स हैं। ठीक है, टाइम है इन सेकेंड्स। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या क्या कहा गया है। फर्स्ट पार्ट इसका है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जब एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाए तो हमने हाइट क्या होगी स्टोन की, तो एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, ये इनपुट करते हैं इस हाइट के फंक्शन में, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 40 माइनस 10 एच ऑफ 1, एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये मतलब कि जब एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाए तो हाइट इज इक्वल टू 30 हो जाएगी। सही है, तो इसका पार्ट टू जो है उसमें क्या कहा गया है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, के स्टोन जो है वो ग्राउंड के साथ कब स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड पर कब आ जाएगा। जब ग्राउंड पर आ जाएगा तो हमने उसका टाइम कैलकुलेट करना है, मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ग्राउंड पर आ जाएगा उसका मतलब क्या है कि हाइट जीरो हो गई। ठीक है, ग्राउंड से ही हाइट है ना उसकी, तो हाइट कब जीरो हो गई है, एच ऑफ एक्स मतलब के जीरो हो गई है। ठीक है, जब ग्राउंड पर आ जाएगा स्टोन तो ये हो जाएगा। तो एच ऑफ जीरो हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि जब एच ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो एच ऑफ एक्स इसके भी इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, जीरो इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स के। यहाँ जब एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, वो एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, वो टाइम होगा एक्स की वैल्यू का कि जब स्टोन जो है वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 10 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 40 एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई 2। जब मतलब कि जब 2 सेकेंड्स हो जाएंगे, ठीक है, तब जाकर ये स्टोन जो है वो स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो बाकी क्वेश्चन जो हैं, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे।